हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा घर है जो पुराना घर है और यहाँ पे ही मेरी शादी हुई थी। अभी इस घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा है क्योंकि आप पहले देखते तो देख नहीं पाते कितना ओल्ड था ये, बहुत पुराना था। और अभी कुछ काम हो रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरी शादी इसी घर में हुई थी, उसके बाद हम लोग कोटा रह रहे थे और अभी मैं हैदराबाद में हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो वहाँ से ही मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे आने का रीज़न था कि मेरे हस्बैंड के बड़े पापा है और मेरे बड़े ससुर जी है, वो एक्सपायर हो गए अचानक ही, मतलब एक्सपायर हो गए। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और आप देख सकते हो कि घर के बाहर भी बहुत काफ़ी जगह है। तो फ्रेंड्स, कुछ रस्में होती है जो हमें निभानी पड़ती है, वही रस्में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, आप देख सकते हो, और सब लेडीज घूंघट में हैं। हमारे लेडीज अंदर बैठती है, जेंट्स सब बाहर होते हैं क्योंकि हमारे घूंघट का रहता है और इस घूंघट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और क्या होता है, ये कल्चर जो हमारे हैं वो बहुत अच्छा है और हमें निभाना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब गंगा जी जाते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ सीसी वगैरह होती है, वो लेके आते हैं, तो उसकी पूजा हो रही है यहाँ पे। और मतलब वो गंगा जी से जो पानी आता है उसकी पूजा करते हैं और फिर वो सबके मतलब प्रसाद के तौर पे सबको दिया जाता है। और यहाँ पे जो भी सामान रखा फ्रेंड्स, वो भी मतलब सामान होता है, वो मतलब जो आते हैं पुरोहित जी या पंडित जी, उनको ही दिया जाता है। और जो सारा सामान होता है तो वो दिया जाता है उनको, जैसे बेड है, रजाई है और ये कुछ सामान होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ रस्में होती है, सब लोगों ने घूंघट करके रखा है। और यहाँ पे जो पुरोहित जो होते हैं वो मतलब यहाँ पे उस बेड पे सोए रहते हैं और उस पर सब लोग परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मतलब बहुएँ होती है वही करती हैं, बेटियाँ नहीं करती है। और ये परिक्रमा होती है और वो फिर उनके पाँव छू के हम लोग पैसे भी उनको देते हैं। तो ये मतलब जेंट्स में भी होती है, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब एक दुख दुख का माहौल है, तो ऐसा नहीं हो पाता है पूरा वीडियो, क्योंकि कोई एक इंसान अचानक चला जाए और कम उम्र में चला जाए तो उसका दुख बहुत होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ हम नहीं सोचते हैं वो हो जाती है, तो आप जान ही सकते हैं कि कितना उसका है। तो यहाँ पे जेंट्स की रस्म चल रही है, जहाँ पे क्या होता है, जिनके मतलब बेटे होते हैं उन पर मतलब पाग बांधने की रस्म होती है। तो ये मतलब कुछ रस्में होती है जो मतलब नहीं चाहते हुए भी उसको निभानी पड़ती है, और ये परंपरा भी है, चलती आ रही है। तो कितना भी इंसान मतलब दुखी हो या कुछ भी हो, लेकिन उसको मतलब ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को निभाने के लिए हमें ये सब कुछ निभाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कुछ कोई नहीं रहता है, लेकिन क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई इंसान एक्सपायर हो गया तो हम मिठाई भी बनाते हैं, सबको खिलाना पिलाना सब चलता है, लेकिन वो काम होने वाले होते ही हैं। लेकिन क्या होता है, एक टाइम पे होते तो वो अच्छा लगता है, लेकिन वो अचानक हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी रस्में होती हैं।